चलिए आपके लिए पहले एक छोटा सा इजी क्वेश्चन बता रहा हूं, आपसे क्या कह रहा हूं, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय फाइव। ये देखो ये क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। अभी इस पे दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको आसान क्वेश्चन देने के लिए कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो क्वेश्चन का, इसलिए मैंने आपसे कहा है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय फाइव। नथिंग इज गिवन, कुछ भी नहीं कह रहा है, और एवरीथिंग इज गिवन। तो जो कंडीशन है बेटे उसको सोचिए। आइए पहले मैं ही आपसे डिस्कस कर लूं, आपसे कह रहा है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, तो सबसे पहले टू डिजिट नंबर्स की बात हो रही है। तो टू डिजिट नंबर्स अगर मैं रफली बात करूं 10 से लेके 99 तक होते हैं। कहां से होते हैं? 10 से लेके 99 तक। अब आपसे क्या कह रहा है, डिविजिबल बाय फाइव। तो कोई बच्चा सोचेगा 10 से 99 तक डिविजिबल बाय फाइव कौन से नंबर होंगे? जिनकी क्लास तो डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय फाइव आर, ठीक है, टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय फाइव आर 10, 15, 20, 25, 95, यस और नो? थर्टी सिक्स कुछ ज्यादा नहीं हो गए सर? ए प्लस 18, 18 आ जाओ देख लो, होंगे आ जाओ देख लो, भी बताऊंगा। हाँ भाई सब बच्चे बताओ, हमारे पास क्या है, टू डिजिट नंबर्स जो होंगे डिविजिबल बाय फाइव होंगे, क्या बस यही तो होंगे ना, 10 से लेके 95, 10, 15, 20, 25, 30 टिल 95, यस और नो? यस सर, यस और नो सब बच्चे बताओ ना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो जब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर है तो सीधी सी बात है आपसे पूछ रहा है इसकी पोजीशन बताओ। जब ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स, तो इसका मतलब 95 की पोजीशन बताओ। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, हमें डिफरेंस पता चल गया, हमें लास्ट टर्म पता चल गया, हमें सिर्फ एन निकालना है। सब बच्चे बताओ, क्वेश्चन वही है ना? जी सर। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हो गया 95 इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। अब सब बच्चे फिर देखो जो मैं आपसे कह रहा था, 95 में से 10 माइनस करो कितना आएगा? 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? 17। प्लस 1 करो कितना आएगा? ये आंसर 18 आ गया सर। यस सर, ठीक है। अब जरा सब बच्चे देख लो, कभी कभी एमसीक्यूज होते हैं तो वो अलग चीज होती है। सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, सब बच्चे प्लीज एक बार ध्यान से देखो। अगर मैं 1 से लेके 100 तक कहूं, 1 से लेके 100 तक अगर मैं कहूं कि 5 के मल्टीपल्स कितने होते हैं, तो 100 को 5 से डिवाइड करो कितने टाइम टेबल चल रहा है? हाँ भाई, 5 से अगर 100 को डिवाइड करूं तो कितने टाइम टेबल चल रहा है? 20। तो इसका मतलब फर्स्ट 100 में 20 मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, 5 10 15 भाई, 5 10 जा 50 और 5 10 जा 50। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 20 नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब आपसे कह रहा था टू डिजिट नंबर्स, तो टू डिजिट नंबर में 5 नहीं आएगा और टू डिजिट नंबर में 100 नहीं आएगा, तो 20 में से 2 निकाल दो तो बचे कितने? सब बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी बेटे समझ में आई बात? Yes, sir. मतलब MCQs जब आएंगे तो जरूरी नहीं होता उसको प्रॉपर वे में ही सॉल्व किया जाए, MCQs किसी और तरीके से भी सोचे जा सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा देखो इधर ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये तो 5 का मल्टीपल था और 2 डिजिट नंबर था तो हमने सोच लिया, लेकिन समटाइम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम सोच नहीं पाते, तो उसको फिर कैसे करेंगे? अभी मैं इससे भी टफ क्वेश्चन दूंगा फिर, आओ चलो शाबाश देखो। सब बच्चे प्लीज ध्यान से जागते हुए इधर देखो, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय सेवन?
How many three-digit numbers are divisible by 7? So there are two things. First, now we are discussing three-digit. तो थ्री डिजिट नंबर्स की जब हम बात करें तो 100 से स्टार्ट होता है, 999 तक होता है। अब अगर फोर डिजिट की बात करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, फाइव डिजिट की बात करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। डिविजिबल बाय 7 हम कैसे करेंगे, ठीक है? अब आप जरा ध्यान से देखो, हमारे यहाँ से होते हैं 7 से डिविजिबल देखना है प्लीज सब बच्चे। तो अगर 7 से डिविजिबल होना है तो 7 से डिवाइड करो, 7 × 7 30। अब आपको टेबल जो चलाना है 30 से ज्यादा चलाना है, मोर देन 30। 7 × 4 = 28 नहीं चलाना है आपको, 100 से आगे जाना है। तो 100 से आगे जाना है तो रिमाइंडर प्लस में आना चाहिए, रिमाइंडर एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 100 से अगर नीचे ले जाओगे तो वो फिर आप पीछे चले जाओगे टू डिजिट में। तो आप 100 से ऊपर जाओ तो 7 × 5 = 35, तो रिमाइंडर आएगा माइनस में। तो इस -5 को यहाँ प्लस कर दीजिए। तो अगर -5 को प्लस करेंगे मतलब 100 डिविजिबल नहीं है 7 से, बट अगर 5 और हो जाएगा तो डिविजिबल होगा। तो वी कैन से 105 विल बी डिविजिबल बाय 7। सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया? सर समझ में आया क्या कि भाई 7 से डिविजिबल हम कैसे लेंगे? भाई 7 से डिविजिबल तभी होगा जब 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से 100 तो डिवाइड नहीं होता, तो या तो हम ले सकते थे 7 × 4 = 28, रिमाइंडर आता प्लस में 2, उस 2 को माइनस करते। समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सब बच्चे, जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, आप दोबारा से समझो। अगर मैं यहाँ 4 का टेबल चला था, 7 × 4 = 28, तो आपके पास यहाँ आता 28, रिमाइंडर आता प्लस में। इस 2 को अगर मैं माइनस कर दूं क्योंकि प्लस में आया, इतना 2 एक्स्ट्रा है। अगर ये 200 में एक्स्ट्रा है तो इसे हटा दो, तो माइनस कर दो, तो 100 − 2 = 98। तो 98 7 से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर आपने रिमाइंडर माइनस कर दिया तो आप 3 डिजिट से 2 डिजिट में पहुंच गए। 98 इज 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन था 3 डिजिट नंबर। तो आपको क्या करना, एक्स्ट्रा टेबल चलानी है 7 की। तो एक्स्ट्रा टेबल क्या थी, 5 times चलाइए। तो अगर 5 times चलाएंगे तो 7 × 5 = 35, तो हमारा रिमाइंडर आया -5। इसका मतलब इस नंबर में 100 में 5 कम है। अगर 5 और हो जाए तो ये 105 हो जाएगा, और 105 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये जो नेगेटिव रिमाइंडर आया है इसे प्लस कर दीजिए, तो 100 + 5 = 105 = divisible by 7। अब क्योंकि 7 से डिविजिबल करना है तो फिर 7 ऐड कर दीजिए, 112, फिर 7 ऐड कर दीजिए, 119 and so on. So these 3-digit numbers are divisible by 7. तो ये हमारे पास हो गया, लेकिन हमें कहां तक लेना है, 999. तो फिर 999 को भी 7 से डिवाइड करके देखो, 7 × 7 = 972 29 7 × 4 = 28 29 28 1 फिर 9 19। अब अगर आपने एक्स्ट्रा टेबल चलाया तो अब आप फिर 4 डिजिट में पहुंच जाओगे। अब कम वाला टेबल चलाना है, तो कम वाला टेबल क्या है, 7 × 2 = 14, यानी कि 5 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ये प्लस 5 आया है, तो इस प्लस 5 को 999 में से माइनस कर दो, तो 999 − 5 994। तो इस तरह से, तो इस तरह से बेटे आपको निकालना है कि कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं और कौन से नंबर डिविजिबल, अगर बड़े नंबर्स हैं, ठीक है? अब जैसा ये तो क्वेश्चन था, मैं आपसे कुछ और कह दूं, मैं आपसे क्या कह दूं, ध्यान से देखो, मैं आपसे कह दूं नंबर्स डिविजिबल बाय, प्लीज सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, डिविजिबल बाय, ठीक है, 7 बिटवीन 13285 and 53692। अब कैसे पता करेंगे भाई कि 7 से डिविजिबल कौन से नंबर है? तो 7 से डिविजिबल कौन से नंबर हैं, उसका तरीका सिर्फ यही है, डिविजिबल वाला। इससे आप कोई सा भी नंबर निकाल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम 13285 को 7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम यहाँ टेबल ज्यादा चलाएंगे, रिमाइंडर माइनस में आएगा उसे प्लस करेंगे, और 53692 पे 7 का टेबल चलाएंगे बट कम चलाएंगे, रिमाइंडर प्लस में आएगा बट उसे माइनस करेंगे। कुछ समझ में आया जो मैंने बताने की कोशिश करी?
हाँ जी सब बच्चे बताओ, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। अभी नहीं आया, मजा नहीं आया बात में। चलो अभी देखते हैं, पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी पे ही, तब आप मुझे बताना। तो अब ये तो हमारे पास आ गया कि भाई दीज आर द नंबर्स डिविजिबल सेवन, तो अगेन अभी भी क्वेश्चन तो वही बनता है। लास्ट टर्म हमारा 994 है, ए हमारा 105 है, एन हमें मालूम नहीं है, डिफरेंस हमारा 7 है, तो 105 को माइनस करेंगे तो 14 5 9, ये 8 आएगा, 918 आएगा, एन माइनस 1 इंटू 7, 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 से आप डिवाइड करोगे 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 7 जा 41, तो एन माइनस 1 प्लस करोगे तो एन इज इक्वल टू 128। चलो आप जरा क्वेश्चन बताओ मुझे, आप सब बच्चे कोशिश करोगे, आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर, 3 वाला ही ले लेते हैं, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, बताओ सब बच्चे 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 कैसे निकालोगे, कोशिश करो सब बच्चे जरा, कि भाई हमारे पास 3 डिजिट नंबर 100 होता है और 999 होता है, तो 6 से डिविजिबल कौन से होंगे, जरा टेबल चलाओ 6 पे, 100 पे 6 का और 999 पे, बताओ जल्दी से। 100 वाला तो आप 6 का टेबल वैसे चला के भी देख सकते हो, बिकॉज 16 6 96 होता है, तो फिर 102 होना चाहिए, लेकिन 999 के पास कौन सा नंबर आएगा वो डिवाइड करने से ही पता चलेगा। सब बच्चे बताओ, कोशिश करो, शाबाश, सिर्फ एपी बता दो, बाकी तो सॉल्व करना तो आ ही चुका है आपको, एपी सिर्फ बताओ मुझे। साहिल बताओ बेटे, रवि, साइम कोशिश करो बेटे, सुहेब, 996 होगा, सुहेब आपने नहीं बताया था बेटे पहले, सर 108 से लेकर 996 तक, 108 तो बहुत आगे हो जाएगा बेटे, 108 में तो 6 से पहले एक और आना चाहिए नंबर बेटे, 102, हाँ बेटे शाबाश। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, 6 से डिवाइड करेंगे, सब बच्चे समझ लिए, कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा कल आएगा, फिर इसको वीडियो को देखना, रिकॉर्डिंग को देखना, सॉल्यूशन को देखना, 6 1 6, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 440, अब अगर 40 से कम चलाएंगे तो वापस चले जाएंगे 100 से कम, 40 से ज्यादा चलाना है तो 6 7 जा 42, रिमाइंडर माइनस में आएगा लेकिन प्लस करना है, तो 102, फिर तो 6 ऐड करते चले जाओ आता चला जाए, 108 114 एंड सो ऑन, फिर हम क्या कह रहे हैं 999 पे 6 का टेबल चलाओ, 6 1 जा 6 3 39, 6 6 जा 36 3 39, अब आपको क्या करना है 39 से छोटा टेबल चलाना है, क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर 4 डिजिट में पहुंच जाएंगे, तो 6 6 जा 36 कितना 3, तो 3 हमारे पास आया प्लस में तो इसे माइनस करना है, तो 999 माइनस 3 99, तो 102 से लेके 996 तक नंबर्स होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, कुछ समझ में आया? चलो इस टॉपिक को तो अभी और लेंगे, क्योंकि सम ऑफ एंड टर्म्स में भी ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी हैं, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बहुत अच्छा सा। देखो ये इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, हमने पहले भी किया था लास्ट क्लास में भी, आज फिर कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखो ये सब बच्चे थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हुआ होगा तो एपी में कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ होता क्या है, ए और डी चाहिए, एन और ए एन चाहिए, कहानी खत्म। ये देखो अगेन क्वेश्चन पे बेस्ड है, लैंग्वेज पे बेस्ड, आपसे कह रहा है फाइंड 31st टर्म, तो मुझे निकालना क्या है, A31. Yes. Whose 11th term is 38? तो जैसे अभी लिखा था बेटे 11th term क्या होता है बच्चे, A plus 10D. शाबाश, 11th term दिया हुआ है बेटे और वो A plus 10D होता है, और 11th term दिया कितना है बच्चे, 38. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, गुड। फिर आपसे क्या कह रहा है बेटे, एंड द 16th term is 73, तो 16th term बेटे A plus 15D. बहुत अच्छे शाबाश, A plus 15D is equals to 73. बताओ समझ में आया? Yes sir. माइनस कर दीजिए बेटे, माइनस, तो माइनस 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 10 माइनस 15 माइनस 5
and 38 minus 73, I think minus 35. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, डी इज इक्वल्स टू 7. सब बच्चे बताइए, समझ में आया? डी इज इक्वल्स टू 7, बेटे पुट इन 1 कर दीजिए, बच्चे पुट इन 1, तो a प्लस 10 इंटू 5 कितना होता है बेटे? 10 इंटू 7, अच्छा 7 बेटे, यस 10 इंटू 7 72 70, 38 माइनस 70 कितना हो गया? माइनस 32 है ना भाई, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 32, बट आपको तो 31st टर्म चाहिए, कौन सा टर्म? a प्लस 30d निकालेंगे, 31 टर्म आ जाएगा, a प्लस 30d, शाबाश, ये फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ, a आ गया बेटे 32 और d आ गया 7, तो 210 माइनस 32 कितना? 78 178, ये हमारा आंसर, सब बच्चे बताइए, यस सर, शाबाश, एक क्वेश्चन और बस, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, करेंगे प्रैक्टिस सब बच्चे, तभी मजा आएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में, जब करने लगते हैं ना फिर इंटरेस्ट आता है, अरे तो समझ में आ रहा है, दिल लगता है फिर के चलो और करें और करें, मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है कि जब नहीं होता है तब भागते हैं, जब सॉल्व होने लगता है तो करते हैं, चलिए शाबाश, पहले एक मिनट आप करिए सब बच्चे, कोशिश करो सब बच्चे, सब सबका मतलब सब होता है।